Hi guys, this is Deep and aaj main drive kar raha hu 2021 Bronco Badlands 330 horsepower from 2.7 liter turbocharged 6 cylinder engine and now let's just launch it. Just look at this thing. So ये है all new 2022 Ford Bronco. So ये जो है वो actual Bronco है. जिन्होंने मेरे first videos देखे होंगे Bronco Sport के ऊपर and then मैं एक video जो है actual Bronco के ऊपर ही बनाया था. वो तो two door था and वो lower down the model था. वो big bend था. And recently भी जो है exactly same color में मेरे पास Bronco Badlands है. Bronco Sports Badlands and ये जो है वो actual Bronco Badlands है. And in terms of look, it's just a head turner. अभी मैं इसको collect करने के बाद just थोड़ा सा hardly जो है 5 km से less travel करके आऊँ and everyone is looking at this vehicle. Especially अभी जो है new है and even the new नहीं है, the size of this thing and then जो accents है, design accents है vehicle के, इसके बड़े tires, ये fender flares, it's just a head turner. So बहुत सारी चीजें vehicle में check out करने के लिए, but mainly जो है मैं focus करूँगा इसके जो है practicality पे, then इसके features पे and then इसके design पे. तीन part में मैं जो आपको explain करूँगा. क्योंकि आगे जाके भी इसके और वर्जन जो है मेरे पास आने वाले हैं. जनवरी में जो है इसकी टू डोर वर्जन भी मेरे पास आने वाली है. सिर्फ उसमें मैनुअल गियर बॉक्स होगा, वो सारा पावर ट्रेन एंड गियर बॉक्स के ऊपर जो इसके ड्राइविंग पार्ट में आएंगे स्टिल वो भी मेरे पास आने वाले हैं. सो मैं जो ट्राई करूंगा कि ब्रोंको के जितने वीडियोज जो है डिफरेंट वेरिएशन के यहाँ पे तक ले आ सकूँ. तो इसलिए मैं हमेशा कहते रहा हूँ ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना. भी ये कार भी मेरे को डायरेक्ट फोर्ड कनाडा से मिली है. सो ऐसे जितना चैनल ग्रो होगा उतनी जल्दी ये सारी कार जो है मेरे पास आएंगी. सो एनीवेज नाउ अभी फर्स्ट जो इसके एक्सटीरियर में जो फीचर्स है मैं आपको शो कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट में, सो ये जो आप हेडलाइट का डिजाइन देख रहे हो ये ट्रेडिशनल अभी जो है ब्रोंको का डिजाइन बन गया है. सेम इंटीरियर में भी ये डिजाइन एक्सेंट्स है. बस एक चीज जो है इसके लोअर डाउन जो मॉडल्स है, जो मेरे पास रेड ब्रोंको का मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो है ये काइंड ऑफ डिवाइड आता है. सो टर्न सिग्नल ही आता है, ये आपको पूरा एलईडी सेटअप नहीं आता. मैंने व्हाइट में ब्रोंको लिखा हुआ, आप जो है ये लेटर और डिफरेंट कलर्स में भी एक्सेसरीज में कॉन्फ़िगर कर सकते हो. एंड यहाँ आता है इसका फ्रंट कैमरा. इसमें जो पूरा 360 कैमरा आता ही है, बट इसमें एक स्पेशल ड्राइविंग मोड है उसमें जो है फ्रंट कैमरा का यूज आ जाता है. एंड देन ये जो है पूरा एकदम सॉलिड जो है मेटल बम्पर देख सकते हो. दिस इज एक्चुअली क्वाइट टफ, मतलब ये इतना हैवी ड्यूटी एंड टफ है यू कैन लिटरली जो है डिस्ट्रक्ट वॉल्स विद दिस फ्रंट बम्पर. एंड यहाँ पे टोइंग हुक्स आते हैं, स्किड प्लेट आती है एंड देन आप जो है काफ़ी एक्सेसरीज भी फिट कर सकते हो, जैसे कि विंच हो गया, लाइट्स हो गए. एंड देन उसमें एक्सेसरीज की बात कर ही रहे तो ये जो आप देख रहे हो ये इतना लोग यूज नहीं करते बट इट्स स्टिल देयर. सो बेसिकली अगर इसमें रूफ रेल हो तो आप ये जो है यहाँ पे स्ट्रिंग्स टाई कर सकते हो. तो ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ब्रांचेस या जो है फॉरन ऑब्जेक्ट्स अगर कोई आ रहे हैं तो वो डाइवर्ट हो जाए. बेसिकली ऑफ रोडिंग में इतना कोई यूज नहीं करता बट स्टिल इट्स देयर. एंड देन और एक चीज यहाँ पे, जैसे आप बैडलैंड स्टिकर्स देख रहे हो कि इसमें इतने सारे जो है मॉडल ट्रिम्स आते हैं, काइंड ऑफ थोड़े लग्जरियस ट्रिम भी आते हैं, पूरे ऑफ रोड ट्रिम्स भी आते हैं, सेवरल ट्रिम्स. बट उसमें जो है अभी जैसे कि ये व्हीकल में जो है स्वैश पैक जो पैकेज आता है, स्वैश पैक जिसका मुझे आज तक प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, सो वो ये व्हीकल में, इसलिए इसमें जो है वाइडर जो आप ये फेंडर देख रहे हो एंड ये बिगर 35 इंच के ये टायर्स है. एंड देन दूसरा आप ये देख रहे हो ये जो टू पीस व्हील्स है, सो ये जो एक्चुअल में टायर की साइज है वो है 315/70 R17 इंच के ये टायर्स हैं. ओवरऑल जो साइज इसकी 35 इंच है. एंड देन और एक चीज आप ये जो है फ्रंट में नोटिस करो, इसका एक पूरा स्टिक आउट मिरर जो कि इसके जो है फेंडर पे माउंटेड है, तो इसलिए जैसे कि व्रैंगलर में. Yes, now speaking of Wrangler, Wrangler का जो नाम है आप काफी सुनोगे क्योंकि ये जो व्हीकल है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है Wrangler से. एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, जैसे कि Wrangler में आपने स्पेशली GTA में टोरंटो में देखा होगा काफी बड़े व्हील्स एंड टायर जो है लोग लगाते हैं. सो इवन कंसिडरिंग दैट ये जो आपको पूरा फैक्ट्री से सेटअप मिल जाता है एंड अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली जो है काफी बेटर भी है वे Wrangler से. एंड अभी जैसे कि न्यू है तो काफी यूनिक भी है. सो ओवर पूरे वीडियोज में जो काफी रेफरेंसेस आपको मिलेंगे Wrangler से, जैसे कि ये ऑफ रोड व्हीकल है तो ये डिफेंडर, जी वैगन से लग्जरी व्हीकल से जो है कंपीट नहीं करती, ये डायरेक्ट जो है जीप Wrangler से ही कंपीट करती है. एंड मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे कि अभी ये मिरर मैंने बोला था काफी टर्म्स में बेटर है. सो अभी जैसे कि Wrangler में आप पूरा रूफ एंड डोर निकाल सकते हो, सेम सेटअप इसमें भी है, सेम इंटीरियर जैसे कि इसके रोल बार आते हैं सेम इसमें भी है. मतलब डिफरेंस इतना है कि Wrangler में जो आपको डोर स्टोर करने का इश्यूज आ जाते हैं, इसमें जो है आपको एक्सेसरीज में बैग मिल जाते हैं, उसमें सीधा आप डोर स्टोर कर सकते हो क्योंकि इसमें आते हैं फ्रेमलेस विंडोज. यस, तो ये फ्रेम नहीं है विंडो का,
एंड दूसरा चीज ये, ये आप देख सकते हो मिरर जो मैंने बताया था आपको फेंडर पे माउंटेड है, तो अब ये डोर ओपन भी पूरा करो तो भी ये मिरर को टच नहीं होता। सो आप जब ये डोर निकाल देते हो सो इट्स वेरी इजी टू स्टोर। एंड उसमें और एक चीज भी यहाँ पे जो है, अब इसके लिफ्ट लिखा हुआ आता है तो इसका ओपन करने का जो मैकेनिज्म है वो भी काफी इजी है। जस्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल प्लग है जो आपको रिमूव करना है, देन दो जो है यहाँ पे इसके अटैचमेंट आते हैं, देन डोर को जो आपको काइंड ऑफ ऐसे लिफ्ट करना है। सो दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। बट एक चीज यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, जैसे कि अब डोर है, अब ये फ्रेमलेस डोर है तो यूजुअली काफी अच्छे से जो है विंडो नीचे आती है डोर, बट इसमें देख सकते हो अगर आप क्विकली डोर ओपन करोगे तो ये जो है यहाँ पे इंसुलेशन होता है उसमें जो है फंस जाता है, एंड देन पूरा विंडो जो है वो हिल जाता है। आप देख सकते हो काफी फ्लेक्स आ जाता है विंडो में, सो काइंड ऑफ एक थोड़ा लो क्वालिटी फील हो जाता है। एंड दूसरा चीज, अभी जो मैं इसके साइड में हूँ तो जो है आप इसके हाइट का अंदाज लगा सकते हो। अभी इसमें जो है करंटली कोई फुटस्टेप वगैरह नहीं आता, वो सारा जो है आप एक्सेसरीज से लगा सकते हो, बट स्टिल व्हीकल के हाइट का, स्पेशली ये जो पूरा पैकेज है उसके साथ ये बड़े व्हील्स आते हैं, डिफरेंट सस्पेंशन सेटअप आता है। अब ये व्हीकल में मेन जो चीज आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक जो इसका हाइड्रोलिक जो है स्वे बार। तो यूजुअली जो है स्वे बार का स्टिफनेस होता है और जो एडजस्टमेंट होता है वो आप मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे आपको रैंगलर में करना। ये व्हीकल में जो है अंदर जो बटन है उससे ही जो पूरा एडजस्ट कर सकते हो। एंड अभी इसके रियर साइड में इसमें और वैंगलर में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आपको मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो है काफी सिमिलर लुक है, बट देन आप ये बिग व्हील जो है टायर जो है वो देख सकते हो, एंड सेम लाइक वैंगलर इसके जो है बीच में से इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो निकल के आ जाता है। अभी इसका ओपन करने का बटन जो है वो यहाँ पे है। इसमें एक चीज है कि जो पूरा साइडवेज जो है माउंटेड है क्योंकि क्लियरली जो डोर हैंडल है वही अपराइट माउंट किया गया है। पूरे व्हीकल में आई थिंक यही जो है आपको फोर्ड का लोगो जो है वो दिखाई जाएगा। दूसरा डिस्टिंक्टिव चीज जो है वो है ये टेल लाइट जो कि डिफरेंशिएट करते हैं इसको व्रैंगलर से। व्रैंगलर के थोड़े स्क्वायर जो है टेल लाइट आते हैं, इसके आपको एक काइंड ऑफ वर्टिकुलर जो है टेल लाइट आते हैं। अभी बस इसमें एक चीज है, सेम जो है इसमें जो है ग्लास आप ओपन कर सकते हो, बट इसमें एक चीज है कि ये जो है यहाँ पे स्टक हो जाता है। तो अब ये जो अनटिल एंड अनलेस आप ये पूरा ओपन नहीं कर देते तब तक आप ये जो है ग्लास ओपन नहीं कर सकते। एंड देन इनसाइड से आप देख सकते हो पूरा जो है सिमिलर सेटअप रैंगलर से जैसा इसका रोल केज जाता है वो। उसमें एक चीज जो है पूरा जो है इंटीरियर, यस अभी जो है इंटीरियर स्टफ में हम जाते हैं, उसके पहले यहाँ नीचे आपको पूरा जो है टोइंग हुक्स आ जाते हैं, जो है एंकरिंग पॉइंट्स आते हैं, आई मीन एंड द टोइंग रिलेटेड स्टफ पूरा आपको नीचे आ जाता है। एंड इसके नीचे जो आप पूरा जो है स्वे बार वगैरह ड्राइव ट्रेन इसका पूरा देख सकते हो। तो इंटीरियर अभी ये जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कई लोगों को दिखेगा कि ये पूरा चीप प्लास्टिक यूज किया गया है, बट सेम थिंग सिमिलर जो है व्रैंगलर में भी है। एंड यही जो है पूरा व्हीकल का पर्पज है कि सारा इजी टू क्लीन, सीधा आप जो है पानी से भी वॉश कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये जो है हार्ड प्लास्टिक, नीचे आपको माइनर स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पे इसका जैक वगैरह सारा आपको मैकेनिज्म मिल जाता है। सेम ब्रोंको स्पोर्ट में भी है क्योंकि यही व्हीकल के सारे कूल टचेस जो है आपको स्मॉल व्हीकल ब्रोंको स्पोर्ट आई मीन उसमें दिए। तो अभी ये जो है यहाँ पे लाइट के बीच में ब्रोंको का लोगो, एक थिंग मुझे नहीं लगी कि जीप रैंगलर में, जैसे मेरे पास 80th एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन थी उसमें जो यहाँ पे कूल प्लैंक आ जाता है जिसके ऊपर रैंगलर की पूरी हिस्ट्री है, उसके मॉडल लाइनअप वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देता है, बट मे बी इसको यहाँ नहीं है बट और एक प्लेस पे है, वो है यहाँ इसके फ्यूल कैप पे। जैसे मैं फ्यूल कैप ओपन करता हूँ यहाँ पे जो है ब्रोंको के जो पहला जनरेशन था उसका काइंड ऑफ स्टिकर है एस्टेब्लिश्ड इन 1966 एंड देन 3 ब्रोंको के जो है बॉडी स्टाइल्स यहाँ पे ड्रॉइंग किए गए, सो दैट्स अ रियली कूल टच। एंड देन लास्टली जो है ये जो है फ्रंट पैनल जो है निकालना काफी इजी है, सेम रैंगलर में भी है, बट ये जैसे कि बाकी का पैनल ये पूरा वन पीस है, देन ये पूरा जो है वन पीस पैनल है, सो वो एक 1% जॉब नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको पूरा तो शो नहीं कर दूंगा। मैंने जैसे ही कहा था आगे जाके जो है ब्रोंको 2 डोर आने वाली है, मोर देन अ वीक होने वाली है, जैसे कि ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए थोड़े दिनों के लिए ये मेरे पास, बट उसमें जो मैं आपको ट्राई करूंगा ऑफ रोड ले जाओ एंड पूरा जो है रूफ इसका ओपन करके शो कर दूं। अभी जो है हम इसका मेन पार्ट है व्हीकल का, मैं आपको पूरा इंटीरियर शो कर देता हूँ। अभी जैसे कि फर्स्टली इसका जो पूरा रूफ मैकेनिज्म जो है ऊपर का आप मैन्युअली ओपन करना होता है, सो उसका ये पाउच आता है, सिमिलर थिंग जो है व्रैंगलर में भी आता है। एंड बट व्रैंगलर में एक कूल चीज लगी जो इसके टेल गेट में मैंने जैसे बताया था कि वो टूल किट आता है, वो मुझे सेटअप काफी अच्छा लगा था। ये जो है अभी ये पूरा इसका कुछ टूल किट जो है आपको इस तरह दिखता है जिससे आप पूरा रूफ मैकेनिज्म एंड स्पेशली इसके डोर्स वगैरह जो है वो सारा ओपन कर सकते हो। एंड ये पाउच के ऊपर भी एक कूल ब्रोंको लोगो आपको मिल जाता है। फर्स्टली ये पूरा आप लेआउट देख सकते हो व्हीकल का, रियली कूल टच कम्पेयर टू व्रैंगलर, एकदम मॉडर्नाइज हाईटेक इंटीरियर जो है फील होता है। एंड ये पूरा ऑफ रोड व्हीकल का जैसे होना चाहिए वैसे, उसके जैसे काफी ही
यूनिक मटेरियल जो है पूरे इंटीरियर में यूज किए गए, यस लोअर डाउन ये जो सारे जो है यहाँ पे चीप प्लास्टिक्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मटेरियल है सारा जो है बेसिकली एकदम इजी टू यूज, इजी टू क्लीन है, एकदम प्रैक्टिकल। क्लाइमेट कंट्रोल के जो है सारे फिजिकल बटन आते हैं, वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपको टाइप सी एंड यूएसबी दोनों पोर्ट्स मिल जाते हैं। सो ये सारा बेसिक स्टफ जो है आपको आ जाता है, बट मेनली अभी जो है हम फोकस करेंगे इसे कूल स्टफ में। फर्स्टली यहाँ पे जो एक फोर्ड का प्लैक आ जाता है, वो प्लैक इटसेल्फ जो है काफी कूल लगता है, बट उसमें एक चीज मुझे कूल लगी, यहाँ पे जो उसके स्क्रूज एंड जैसे वो सेटअप किया गया है वो सेम जो है ब्रोंगो का फ्रंट एंड है उसी फॉर्मेट में है, वो मुझे काफी कूल लगा। एंड देन इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी जो हेडलाइट का शेप है एलईडी का, उसी के शेप में जो इंजन स्टार्ट स्टॉप मुझे काफी ही कूल लगा। एंड उसमें भी जो आप स्क्रूज देख रहे हो, सो पूरे कार के इंटीरियर में एक्सटीरियर में ये पूरे एक्सपोज जो स्क्रूज है एंड उसके ऊपर भी ब्रोंगो ऐसा लिखा हुआ है, सो दैट्स अ रियली नाइस टच। एंड वो उधर ही खत्म नहीं होता, अभी जो है यहाँ पे ये जो गियर सिलेक्टर है उसके ऊपर भी आप ब्रोंको लोगो देख सकते हो। एंड देन ये जो ऑरेंज एक्सेंट व्हीकल में जो है ये आप अपने तरीके से भी जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट अभी जैसे कि न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। सीट्स आर रियली कम्फर्टेबल है, एकदम ही हैवी ड्यूटी सीट्स भी फील हो जाते हैं। आई रियली लाइक द सीटिंग कम्फर्ट इन दिस व्हीकल। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ, एक चीज़ और, इसका रियर सीट। सो रियर सीट में भी जैसे कि डोर निकल जाते हैं तो इसके सेंटर में जो अभी पर्टिकुलर मैटिंग है उसके ऊपर भी अगेन एक कूल ब्रोंको लोगो है, बट पावर विंडो स्विचेस जो है वहाँ पे आपको सेंटर में मिल जाते हैं रियर सीट में। बस जो सीटिंग एंगल है मुझे पर्सनली जो है काफ़ी ही अपराइट लगा, बट मेरी हाइट जैसे कि 5'9" है, मुझे स्पेस के मामले में बिल्कुल भी इश्यूज नहीं आए। जो ये सेम चीज़ रैंगलर में भी है वो है यहाँ पे एयरबैग है, इसके रोल केज में भी सारा आपको पूरा जो है एयरबैग मिल जाता है, तो सेफ्टी के मामले में दैट्स अ रियली नाइस टच। व्रैंगलर में बार बार रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि इसका मेन एडवांटेज जो है व्रैंगलर में, ऑफ कोर्स टेक में तो है ही, बट मेन जो है वो ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ है, तो इसलिए जो है मैं मेनली वो पार्ट जो है ड्राइविंग में कवर करूंगा। नाउ स्पीकिंग ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग रिलेटेड फ्यू स्टफ जो है इंटीरियर में वो है ये। अभी यहाँ पे आता है इसका गोट मोड, सो उसका मतलब है ओवर एनी टेरेन, सो काइंड ऑफ गोट का भी होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सो काइंड ऑफ उन्होंने जो है वो मिमिक किया है। सो यहाँ पे जो है इसके 7 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आते हैं, 7, एंड उसमें एक चीज है कि हर एक मोड का जो काफी कूल एनिमेशन आता है, बट एक उसमें थोड़ा और लगा हुआ है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड काइंड ऑफ ऐसे कोई चीज जल रही है तो वो काइंड ऑफ थोड़ा मुझे वियर्ड लगा कि एमिशंस को लेकर है या क्या है पता नहीं। एनीवेज, सो ये जो गोट मोड है डायल है, बट बाकी जो है जैसे कि ऑफ रोड व्हीकल है इसका 4 लो गियरबॉक्स, 2 हाई जो है, 4 हाई 4 लो एंड ऑटोमेटिक मोड जो है वो सारा यहाँ पे बीच में बटन्स है 4 साइड में, एंड उसके बीच में जो है वो है क्रॉल मोड। सो जो क्रॉल मोड, अगर आपके पास मैनुअल जो है गियरबॉक्स हो तो उसमें 7th गियर आता है, ये कार जो है ऑलमोस्ट जो है 1 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी क्रॉल कर सकती है, सो उसका जो है वो सेटिंग है। एंड उसी टाइम जो है इसका जो 7th ड्राइविंग मोड है उसमें ही वो जो है फ्रंट कैमरा आपको ऑन हो जाता है, आगे के रॉक्स वगैरह जो है सारा कहीं आप व्हीकल डैमेज ना कर दो, इससे डैमेज होने वाला कुछ है नहीं, इतना टफ है, जो चीज़ को ये व्हीकल टच करेगी वो डैमेज हो जाएगा, इतना वो स्टडी है। आई होप आप फील कर सकते थे कि कितना स्टडी इसका जो है फ्रंट बम्पर है। एंड देन उसके पीछे जैसे कि अभी ये डोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस पर लॉक अनलॉक तो आ जाता है डोर्स पे, बट ये डोर्स मैंने ऐसे करती ओपन हो जाते हैं, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे जो है इसके विंडो स्विच है, यस। सो जो मिरर भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड जो कि फेंडर पे है, अगर आप डोर्स निकल जाते हैं तो मिरर कैसे एडजस्ट करोगे, सो मिरर्स का जो है लेफ्ट राइट बटन है, एंड देन यहाँ से जो है आप मिरर्स पूरा इसका एडजस्ट कर सकते हो, सेम पावर विंडोज भी, क्योंकि इसका एक चीज़ है जैसे कि आप ऑफ रोड जाओगे आप डोर्स निकाल जाए या पूरा वाइब एंजॉय करो एंड आपके पास स्टिल्स आपके व्हीकल के जो है एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सो मच स्टफ, कूल स्टफ यहाँ पे जैसे कि है मैंने कहा था कि जो है इसका इलेक्ट्रॉनिकली आप स्वे बार जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, सो उसके बटन जो आपको यहाँ जाते हैं एंड वो भी पूरे रबराइज्ड है। सो मैं अटेंशन टू डिटेल बताऊँ, जैसे कि स्टेयरिंग माउंटेड जो बटन है वो भी पूरे रबर जो है मटेरियल के आते हैं, सो यही मैं एम्फोसिस करना चाहूँगा कि कितना उन्होंने फोकस किया पूरा रगेड यूज में, ऑफ रोड मटेरियल्स, डोर के भी जो है पूरे डिजाइन एंड पैनल्स जो है पूरे देख सकते हो। लास्ट कूल फीचर जो ऑफकोर्स इसमें बावजन ओल्यूसन का पूरा साउंड सिस्टम वगैरह आ जाता है, डोर पे इसके कहीं पे भी आपको स्पीकर्स नहीं दिखेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट यहाँ पे जो है इसका जो है आपको ऑक्सिलरी यूएसबी एंड टाइप सी पोर्ट आ जाता है। उसके पीछे थियरी ऐसा है कि यहाँ पे जो आप एक बार जो है माउंट कर सकते हो, सो बार माउंट करने के बाद जो है वहाँ पे अपना GoPro या कोई भी आप जो एक्सटर्नल एक्सेसरीज है वो फिट कर सकते हो। स्पीकिंग ऑफ एक्सटर्नल एक्सेसरीज, यहाँ पे सारे आपको ऑक्सिलरी पोर्ट जो है ऊपर मिल जाते हैं, सो काफी सारे जो है एक्सटर्नल एक्सेसरीज जब आप कनेक्ट करोगे तो क्या, हाँ, इनबिल्ट स्विच आपको मिल जाते हैं। एंड आई होप ये
जो है मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है इसमें कवर कर दी, मैंने जितना अच्छे तरीके से आपको कार दिखाने का ट्राई किया है। अभी ये व्हीकल का मेन पार्ट ड्राइविंग इंप्रेशन, ऑफकोर्स ऑफ रोड मैंने जैसे किया, इसका ट्रू डोर मैनुअल जो एक्चुअल पूरा वर्जन आएगा वो मैं ऑफ रोड लेके जाऊँगा, बट अभी के लिए जो है हम रोड पे फोकस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो है लोग होते हैं इसको डेली पर्पज भी यूज़ करेंगे, एंड दैट्स वेर इसका व्रैंगलर के ऊपर एडवांटेज आ जाता है। एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ दैट, अभी स्ट्रेट अवे जस्ट जो है इसका ड्राइविंग स्टार्ट कर दे। फर्स्टली लॉन्चिंग इट, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, व्हीकल इज ऑन टू हाई, एकदम जो है कोई एक, जैसे कि एकदम पंच होता है या एकदम बड़ी व्हीकल बिग मास मूविंग अराउंड जो आपको फोर्स फील होता है वैसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी लीनियर एक्सलरेशन। एंड स्ट्रेट अवे जो है अभी राइड क्वालिटी आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट अ बिट फर्म, यस। सो अभी ये जो है मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ व्रैंगलर से रेफरेंस, सो जैसे कि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है व्रैंगलर से, एंड मैंने कहा है कि काफ़ी टर्म्स में बेटर भी है व्रैंगलर से, उसमें एक टर्म्स में बेटर नहीं है, जैसे कि अभी एक स्टैंडर्ड होती तो काफ़ी कंफर्टेबल होती, बट जैसे कि इसमें भी 35 स्टार्स है, बिगर सस्पेंशन है एंड ऑल दैट स्टफ, अगर स्पेक टू स्पेक कंपेयर किया जाए तो जो है स्लाइटली बेटर राइड क्वालिटी है, इसकी भी स्टिफ ही है, हार्ड ही है थोड़ी राइड क्वालिटी, बट स्टिल जो है थोड़ी बेटर है। ओके, सो राइड क्वालिटी में जो है इतना एडवांटेज नहीं है, जो है डील ब्रेकर नहीं है, इट्स स्लाइटली बेटर दैन द व्रैंगलर, बट जो बाकी एडवांटेज है इसमें ड्राइविंग डायनामिक्स में एंड देन जस्ट जो है बाकी ओवरऑल क्वालिटी में, सो कंपेयर टू व्रैंगलर जो है इसका इंटीरियर हो गया, क्वालिटी हो गया, एंड देन जैसे कि साउंड इंसुलेशन हो गया, सो जो ओवरऑल NVH लेवल्स है वो काफ़ी ही बेटर है व्रैंगलर से, एंड उसके वजह से जो ओवरऑल जो कंफर्ट लेवल है व्हीकल का, ओवरऑल जो ड्राइविंग रिलेटेड एक्सपीरियंस है व्हीकल का वो काफ़ी ही बेटर हो जाता है व्रैंगलर से। एंड मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्टेबिलिटी, यस। व्रैंगलर जो है इट मूव्स अ लॉट ऑन हाईवे एंड उसका स्टेयरिंग व्हील जो है इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी, उधर ही ये ब्रोंको का एडवांटेज है, इतना वेल कंट्रोल जो है आपको फील होता है इसके स्टेयरिंग व्हील के पीछे, हाईवे पे जो है व्हीकल इतनी स्टेबल है, एंड जो साउंड इंसुलेशन है, ऑफकोर्स सॉफ्ट टॉप में कंपेयर नहीं कर रहा है, हार्ड टॉप टू हार्ड टॉप की व्रैंगलर भी मैंने एज अ प्रेस कार हार्ड टॉप के साथ ही यूज़ किया है, सो डायरेक्ट कंपेरिजन वो मामले में भी इट्स सो मच बेटर। एंड देन दूसरा चीज़ आता है लुक्स, यस। आई थिंक पर्सनली जो जीप रैंगलर जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है एंड जो जो उसमें काइंड ऑफ मेजर ड्रॉबैक्स रहे वो इसमें रेक्टिफाई किए गए, एंड देन जो है लुक्स, यस, अब ये व्हीकल काफ़ी यूनिक है, ब्रांड न्यू है, रास्ते पे हार्डली कोई व्हीकल आपको दिखेगी, है जैसे कि प्रेस व्हीकल है इसलिए उसकी वजह से इतना अटेंशन ये व्हीकल ग्रैप करती है, सो काफ़ी यूनिकनेस आ जाता है। एंड ओवरऑल ये व्हीकल अगर एक बार जो है रेगुलर भी हो गए रोड पे तो भी काफ़ी यूनिक चॉइस हो, चॉइस हो जाती है कंपेयर टू द व्रैंगलर, सो यही मेन जो है स्टैंड रहा है मेरा ये व्हीकल को लेके, एंड आई कैन लिव डेली विद दिस व्हीकल, यस, राइड क्वालिटी हार्श है, अनकंफर्टेबल है, बट एटलीस्ट हाईवे पे जो इट्स बेटर दैन द व्रैंगलर। एंड मैं बाकी जो मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी हाईटेक है व्रैंगलर से, उसमें इन द सेंस हाईटेक, अभी जैसे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, जो मैंने इंटीरियर दिखा था इतना टच नहीं किया था, तो बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका स्टैंडर्ड जो बाकी फोर्ड एंड लिंकन व्हीकल्स में आता है वही है, बस इसमें जो बड़ा स्क्रीन का सेटअप आता है वो है, सारे इसमें आपको ऑफ रोड फीचर्स एंड पेजेस वो सारा मिल जाता है स्क्रीन पर दिखाता है, एंड देन सेंटर जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस पर भी स्क्रीन है, एनालॉग जो इसका स्पीडोमीटर है, बट बाकी एक सिंपल जो है काफ़ी स्टैंडर्ड है, कोई एक सा मॉडर्न टेक नहीं है, बट स्टिल जो स्क्रीन आ जाता है उसमें वो काफ़ी जो है मेनली जब आप ये ड्राइविंग मोड्स चेंज करते हो तो जो एनिमेशन उसमें प्ले होते हैं वो काफ़ी कूल है, एंड देन बेसिक आपको जो है ऑफ रोड कोई भी ऐसा राउंड यहाँ पे आपको सेटअप नहीं देगा, सारा रेक्टेंगुलर या बॉक्सी जो है वहाँ पे सेटअप है, देन जस्ट जो ओवरऑल ज़्यादा सेटअप आता है ये आप देख सकते हो, जो डोर है ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, एंड देन यहाँ पे मतलब ओवरऑल जो है ऑरेंज एक्सेंट्स एंड सारा यहाँ पे ब्रोंको लिखा हुआ आता है, एंड देन जो अपील है ये व्हीकल को लेके लोग समझते हैं कि ये जो है व्रैंगलर के ऊपर आते हैं, जबकि ये डायरेक्ट स्पेक टू स्पेक जो है व्रैंगलर, इवन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग जो है व्रैंगलर के साथ कम्पीट करती है, लोग इसको डिफेंडर के साथ कम्पीट करते हैं, जी वैगन जो हो गया, ये सारे जो हाई लग्जरी ऑफ रोड व्हीकल है, सो ये उनके साथ नहीं आता, उनमें जो है काफ़ी आपको लग्जरी मिल जाएगी, ये जो है एकदम एक रगेड ऑफ रोड व्हीकल है विच यू कैन यूज ऑन द रोड। ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ जो है मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे इसके डिफरेंट वेरिएशंस में जो है यूज़ करते जाऊंगा। एंड अगर आपने व्रैंगलर को हाईवे पे सुना होगा, स्पेशली अगर ब्रैम्पटन में वो बड़े टायर्स के साथ जो है आते हैं, उनसे कंपेयर किया जाए तो व्हीकल के अंदर जो है काफ़ी ही कम टायर नॉइज एंड रोड नॉइज आ जाता है। ओवरऑल जो है काफ़ी ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, इवन नाउ मैं देख रहा हूँ सारे लोग जो है मुड़ मुड़ के ये व्हीकल को देख रहे हैं, अभी जस्ट जो स्टैंडर्ड सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ फिर भी, सो दैट्स द थिंग एटलीस्ट व्हेन इट्स न्यू विद दिस व्हीकल।
आई नो काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें भी जो है मिस कर दी होगी मैंने, मेरा जैसे सेड बहुत सारे वीडियोज व्हीकल के ऊपर आगे आने ही वाले हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा था चैनल को सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही और यूनिक व्हीकल्स के वीडियोज में आपके लिए और जल्दी ले आ सकूंगा। सो नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन।